नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस घर का प्लम्बिंग काम करके आपको दिखाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। और वीडियो लंबा होने के वजह से दो पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए दो पार्ट में ये वीडियो डालने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। और इस घर में कितना प्लम्बिंग कॉस्ट गया है, जो कि अपना 1000 स्क्वायर फीट का ये घर है। और एक इसमें एक अपना इंडियन है और एक अपना एक्स्ट्रा कमोड है, तो अभी आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, ऊपर से कलर हो चुका है और फिर अपने को प्लम्बिंग काम करने का है। तो पहले कलर उनको मालूम नहीं था कि कलर के पहले प्लम्बिंग काम होता है, तो अभी गड़बड़ हो गया। तो कभी भी अगर काम कराएं आप तो प्लास्टर के पहले ही, प्लास्टर होने के बाद और पेंटिंग से पहले कराना चाहिए। अभी अपना जो भी सामान है सब सामान ला के बाहर रखें। और इसका इसमें जो भी फिटिंग हुआ है वो अपना प्रिंस कंपनी का ही फिटिंग हुआ है। और कितना बजट गया है? वो भी आपको देखने को मिलेगा। वही बाहर का अपने को काम करना है। और जो भी अंदर का फिटिंग है ना, वो सब CPVC का ही फिटिंग हुआ है। और जो बाहर है वो अपना UPVC का फिटिंग हुआ है। तो अभी देखिए क्या हुआ है ना, इसमें एक अपना कमोड है जो कि एक्स्ट्रा कमोड है, और बाथरूम भी है उसमें, अटैच बाथरूम, लेटिंग बाथरूम है। अभी जो भी अंदर का काम करना था, अंदर का काम ख़त्म हो गया है। अंदर का भी काम आपको दिखाएंगे कि अंदर का काम कैसे हुआ है और पाइपलाइन कैसे है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अपने को भी पाइपलाइन सब बाहर लेने का है, बाहर से लेवल निकाल के आप अपने को आगे पाइपलाइन करने का है। और इधर अपना एयर का पाइप उठाना है। और इधर देखिए अपना कितना पाइप निकला है, 5 पाइप टोटल निकला है, एक संडास का, एक बाथरूम का, एक अपना सोलर का, एक अपना टाकी का आउटलेट और एक अपना फ्लश वाल्व का। एक अपना संडास का, एक बाथरूम का और एक अपना फ्लश वाल्व का 1.25 इंची, और एक अपना बाथरूम का पाइपलाइन और एक अपना सोलर का पाइपलाइन। तो अभी जो भी कटिंग करना था वो कटिंग कर दिए। अभी अपना वाई मार के ऊपर ले लिए, क्योंकि एयर का भी पाइपलाइन उठाना है, तो इधर से ही एयर का पाइपलाइन उठा दिए ऊपर। और क्या होता है ना, जो अभी अगर आप फिटिंग कर रहे हैं तो जो टाकी से आउटलेट आ रहा है ना, उसमें कभी भी आपको डायरेक्ट एल्बो मार के बाथरूम में जॉइंट नहीं करना है। वहाँ पे टी मारी है, नीचे एंड कैप लगा देंगे ना, तो जो भी कचरा है ना वो अपना एंड कैप में रुकता है, तो डायरेक्ट नल में नहीं जाता है। तो इसके लिए कभी भी ध्यान दीजिए, अपने को कभी भी लगाना है तो नीचे टी लगा के फिर अपने को एंड कैप लगाना है। जो भी अगर लाइन आप काम कर रहे हैं, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 1/2 इंची, 1/4 इंची, 1 इंची, कोई भी अगर काम कर रहे हैं आप, अगर टाकी से आउटलेट उसमें आया है मेन वाला लाइन में, तो उधर अपने को टी मार के एंड कैप देना ज़रूरी है। अभी देख सकते हैं आप कि क्योंकि हर एक पॉइंट जॉइंट होने के बाद ही उसमें टी मारा गया है। और नीचे अपना UPVC 1/2 इंची का लाइन है, इसमें अपने को टी मारना है। अभी आपका भाई यानी मैं काम कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं यादव प्लम्बर।
तो कभी भी ये बात ध्यान रखिए कि अपने को टी मारना है और नीचे एक एंड कैप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कचरा होगा वो अपना एंड कैप में आएगा। और कभी भी पेंटिंग होने के बाद प्लम्बिंग नहीं होता है, क्योंकि पहले प्लम्बिंग होता है फिर पेंटिंग होता है। अभी इसमें पूरा काला काला हो जाएगा क्योंकि हर एक होल पैक करना है, तो उसमें क्या होता है पूरा अपना काला काला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कभी भी अगर काम कराएं आप तो पेंटिंग होने के पहले ही कराएं, क्योंकि पेंटिंग होने के बाद अपना क्या होता है ना, तो जो भी होल होता है वो होल अपना पैक नहीं हो पाता है। अभी नीचे का फिटिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ से अपने को किचन का पाइपलाइन ले जाना है जो कि CPVC का पाइपलाइन ले जाना है। और CPVC को UPVC में बहुत ही सारा कमेंट आ रहा था कि CPVC को UPVC में कैसे कनेक्ट करते हैं। और इधर अपने को अभी चेंबर हो गया जो कि चेंबर बनाने चालू है बनाना, और संडास का ओवरफ्लो और बाथरूम का और किचन का वॉशिंग मशीन का सब का पाइपलाइन लाके इधर अपना आगे रखें। और यहाँ से चेंबर बन गया है और अपने को आगे अभी यहाँ सीमेंट का पाइपलाइन डालने का है, तो सीमेंट का पाइपलाइन ही डालने का है क्योंकि अगर PVC पाइपलाइन डालने है तो बाद में दिक्कत होता है। बड़ा गाड़ी जगह तो उसमें करेक होने का डर रहता है, लेकिन सीमेंट का पाइपलाइन एक बार पड़ गया तो हमेशा के लिए दिक्कत नहीं रहता है। अभी कुछ वीडियो पार्ट टू में आएगा क्योंकि सारा एक ही में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपसे निवेदन है कि पार्ट टू भी आप देखिए, क्योंकि चेंबर बनाने से क्या फ़ायदा है ना, जो भी आपका कचरा आएगा बाथरूम का ना, तो चेंबर अपना चेंबर में पहले रुक जाता है, फिर अपने को पानी ही आगे जाता है, तो पाइपलाइन कभी भी चौकअप नहीं होता है। चेंबर अगर कचरा रुकेगा तो चेंबर में कचरा रुक जाता है, तो वहाँ से अपने को क्लीन करके आप चेंबर क्लीन करके उसमें से कचरा निकाल सकते हैं और पाइपलाइन अपना कभी भी चौकअप नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, कभी भी चेंबर बनाना सबसे अनिवार्य रहता है। अभी अपना बाहर का भी पाइपलाइन हो गया है, बस अपने को भी चेंबर बनाना है।